भाई ये लिखा हुआ है। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। हम फिर आ गए आप सब लोगों के लिए एक नई वीडियो को लेकर, और हम जा रहे हैं आज भूतेश्वर महादेव जो कि बहुत अच्छी ट्रैकिंग प्लेस है जयपुर के अंदर और बहुत ही अच्छी जगह है भाई अगर तुम जाना चाहो तो। और भाई वो एक हिडन प्लेस भी है जयपुर की अरावली के जंगलों के बीच में बसी हुई है, वो के देव महादेव भूतेश्वर जी का मंदिर है और हम निकल रहे हैं। और सामने से पुनीत की गाड़ी आते हुए हमको पता नहीं था कि ये पुनीत है। ओ यार स्मार्ट लग रहा पुनीत पहली बार। हेलो दोस्तों, ऐसे बोल आज मेरे पापा मेरे को घुमाने लेके आए हैं। खराब हो जाएगा भाई मार्क। भाई अब आ गए सबसे फेमस रूट में से एक रूट पे, आमेर की घाटी सबसे बेस्ट रोड है भाई आमेर रोड। उस जगह पे जाने के लिए सबसे बेस्ट रोड है आमेर रोड से होते हुए निकलेंगे भूतेश्वर। भाई मस्त लग रहा है। अगर तुम यहाँ आओगे तो तुमको ये बोर्ड दिखेगा नारगढ़ बायोलॉजिकल पार्क का, तो इससे इस सीधे वाले रास्ते में तुम निकल जाना और यहाँ से तुम सीधा पहुँच जाओगे भूतेश्वर महादेव। भाई ये कैसा बहुत बढ़िया लग रहा है मेरे को रास्ते में दिख रहा था, और इसके जस्ट सामने ये रास्ता है, यहाँ से तुम निकल जाना सीधा बायोलॉजिकल पार्क के लिए। और जंगलों के बीच में बसते हैं हमारे महादेव, तुमको महादेव का बसेरा तो पता ही है, जंगलों और पहाड़ों के बीच में होता है, शायद इसीलिए इसका नाम रखा गया है भूतेश्वर महादेव। इस मंदिर पे आज हम जा रहे हैं ना, वो हमने भी पहले एक्सप्लोर नहीं किया है, सिर्फ तुमको दिखाने के लिए हम उस मंदिर पे जा रहे हैं। भाई ये रास्ता बहुत ही तगड़ा होने वाला है जैसा कि तुम सामने देख सकते हो। हम एंटर कर चुके हैं अभी सीधा नारगढ़ बायोलॉजिकल पार्क के अंदर, और यहाँ का व्यू कुछ ऐसा है देखने के बाद भाई पता नहीं नॉस्टैल्जिक सा फील हो रहा है, खतरनाक वाला है। सामने तुम रूट देख सकते हो कितना तगड़ा रूट है भाई, यहाँ की ग्रीनरी यहाँ का नेचर भाई अलग ही बात भाई भी अलग है भाई। नेचर लवर्स के लिए सबसे बेस्ट जगह है भाई, जैसा कि तुम मेरे पीछे देख सकते हो। नेचर लवर के लिए ये बेस्ट है, फोर लवर्स के लिए बेस्ट नहीं है। हाँ जाना भगवानों की जगह पे फालतू हरकतें करने जो लोग आ जाते हैं ना, ऐसे लोग कृपया नहीं आए। 12 seconds later ये देखो भाई, ये इस जगह को देख के डर गया क्योंकि यहाँ पे सामने गेट बंद है और हम पांच लोग। भाई गाड़ी की आवाज आ रही है, हाँ भाई गाड़ी यही है रूट यही है भाई। हम सब आ तो गए हैं और सब ऐसे खड़े हैं कि जैसे कि किसी को कुछ पता ही नहीं। डर तो लग रहा है भाई, डर तो मेरे को भी लग रहा है। कितने लिखा हुआ है ये देख लो भाई, ये लिखा हुआ है नारगढ़ लोयन सफारी। तो भाई ये तो लोयन का नाम पढ़ते डर गया भाई मनोज तो। ठीक है धन्यवाद भाई साहब आपका रास्ता बताने के लिए। चलो भाई चलते हैं, यही रास्ता है डावट निकलते हैं। ओए अब गाने चला यार, अब हम निकल रहे हैं, रास्ता हमको अंकल जी ने बता दिया है। और बाप रे ये रास्ता बहुत ही उबड़ खाबड़ है भाई, मेरी गाड़ी भाई मेरे को अब पता नहीं क्यों अलग सी फीलिंग आ रही है भाई, क्योंकि भाई तुम देख रहे हो गाड़ियां कैसे उतर रही है भाई, मैं मतलब लोग भी नहीं बना पा रहा भाई। ये ऑफ रोडिंग है तुम्हारा यहाँ पे भाई, ऑफ रोडिंग में यहाँ पे भाई स्टेबलाइजेशन के क्या बोल दिया मैंने, यहाँ पे बिना स्टेबलाइजेशन के लोग नहीं बन सकता भाई, यहाँ पे स्टेबलाइजेशन नहीं आने वाली ब्लॉक्स के अंदर। बिल्कुल स्कैरी रूट से भाई लोगों, ये हम यहाँ पे आ तो गए बस अच्छे से हम पहुँच जाए और आ भी जाए भाई, कुछ भी कम फट तो नहीं है भाई। अरे सिर्फ हम दो जनों की गाड़ी चल रही है यहाँ पे और ये तीन इधर बैठे ओए पटरी है मन्नो की पटरी है भाई, वो मनोज की बैंकर वाली फट रही है क्योंकि हम आ चुके जंगलों के एकदम बीच में रास्ते। तो भाई डर तो लग रहा है भाई कुछ भी कहो, और ब्लॉक बनाने में कतई बिल्कुल अच्छी वाली फीलिंग नहीं आ रही, डर लग रहा है भाई मेरे को तो मजा आ रहा है। लेकिन भाई डर के आगे जीते पता ना तुमको, माउंटेन ड्यू डर की माँ के। यही नहीं अभी और सुनिए भाई, हम तुम लोगों को व्यू दिखाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जैसे शेर है ना माता जी का भजन गा लेना, ए माता लक्ष्मी शेरा वाली है, चुप रह साले डराना तेरा शेर आ गया। मनोज भाई बैंकर वाला डर लग रहा है क्योंकि हम रूट पे ही ऐसे बैठे हैं, शादी भी नहीं हुई अभी तक। वो झाड़ू की सोच रहा शेर मुंह वो घुमा दो लो बोरी बहुत दूर है कौन सो रहा है तू आया तो भाई साथ प्रैंक करेंगे, पीछे वाले के साथ प्रैंक करेंगे, गाड़ी को बंद कर देंगे और बोल देंगे कि गाड़ी बंद हो गई है जंगल में। ये देख लो पीछे मोर की वीडियो बना रहे हैं तीनों, अब ये लोग जब आगे आएंगे तो अब थोड़ा सा आगे लेके गाड़ी को मोहित बंद कर दियो ठीक है। A few moments later भाई अब तो मैं भी पट भाई, ये भूत के रास्ते पे गाड़ी बंद हो गई यार, आगे यार गाड़ी बंद हो गई भाई बीच जंगलों में, और मनोज और हम सब की फट रही है भाई। मोहित स्टार्ट करने में लग रहा है, अबे गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही मन्नो, घुमा लो यार मैं गाड़ी टर्न के जाएगी। क्या हो गया मनोज यार इतना भी क्यों डर लग रहा है भाई तेरे को, तो क्यों डर लग आवाज आ रही है आवाज आ रही है देख वो लिख रहा साले मसाने भैरू जी का मंदिर हो रहा है। अब तो पटू थोड़ी थोड़ी
यार इन लोगों की टॉयलेट नहीं मिटती यार, दो बार मूछ हुआ डर के मारे मूछ निकल गया भाई मोहित का भाई डर तो लग रहा है कुछ भी कोई है, देख लो तुम पूरा जंगल है भाई आइड साइड में भाई, यहाँ पे आओ तो अपने रिस्क पे आओ भाई, हम नहीं बोल रहे तुमको यहाँ आने के लिए। सो रास्ते में कुछ दो तीन घंटे ट्रैवल करने के बाद और दोस्तों के साथ अपनी बकवास करने के बाद हम लोग पहुंचते हैं इस बोर्ड के पास, और इस बोर्ड से एक तुमको लेफ्ट में रास्ता दिखेगा और एक राइट में दिखेगा, तो तुमको कुछ नहीं करना है, लेफ्ट वाले रास्ते में सीधा चलता रहना है और फिर तुम पहुंच जाओगे अपनी मंजिल के बहुत ही पास। तो गाइस देखिए तुमने व्यू देखा कभी ऐसा, देखो हमारे जयपुर में तुम्हारे नहीं होगा तुम्हारे उदयपुर वगैरह में। हाँ तो भाई अब हम जा रहे हैं पैदल पैदल एकदम ट्रैकिंग करते हुए मंदिर ट्रैकिंग के लिए हमको यहाँ पे लकड़ी मिल चुकी है मोहित की जैसी भाई बड़ा साउंड आया है वीडियो में पता तेरे को मनोज ने भाई फाट कर दिया मुझे ऐसे बोल रहे ट्रैकिंग करते हुए गैस निकल गई जाएंगे साक्षात त्रिलोक के स्वामी देवों के देव महादेव के पास, आइए चलो फाइनली वी रीच्ड आवर डेस्टिनेशन। जैसा कि हमेशा बोलता हूँ कि हम फाइनली हमारे जगह पे पहुंच चुके हैं जहाँ हम लोग आना चाहते थे। ये देख लो इसमें नहाने के लिए कह रहा है मोहित, ओए बुआ के लड़के के साथ नहीं भाई ये तो वही है जो और खड्डे करती है लोगों के दिलों में लोगों के देव महादेव जी की मंदिर की सीढ़ियां ये देख लो तुम मेरे सामने, और अब हम लोग चढ़ रहे हैं यहाँ पे मंदिर के लिए, दर्शन करेंगे और फिर बाकी का यहाँ का आसपास का व्यू एक्सप्लोर करेंगे, बाकी चीजें मैं तुम सबको दिखाता रहूंगा, पहले दर्शन करते हैं। ये देख लो भाई तुम मंदिर का व्यू, जय हो, ये रही प्रॉपर शिवलिंग। ओम पार्वती मते हर हर महादेव। मंदिर की छत पे आ चुके हैं भाई, यहाँ के आर्किटेक्चर देखो तुम यार, बनाने वाले ने क्या बनाया भाई, मजा आ गया भाई यहाँ पे ट्रैकिंग करने में भाई। ट्रैकिंग तो नाम की हुई है, असली ट्रैकिंग पॉइंट तो यहाँ पे सागर वाला था। हम आए अपनी अपनी व्हीकल से, अपनी अपनी गाड़ी से नारकर बायोलॉजिकल पार्क से। यहाँ के तीन चार रास्ते हैं जिनमें से मेरे को तीन पता है। एक रास्ता है जहाँ से हम आए दिल्ली रोड से, वहां से तुम लोग सीधे यहाँ पे आ सकते हो नारकर बायोलॉजिकल मैप खोल के, उसके जस्ट बगल में इसका रास्ता जा रहा है तो तुम वहां से भी आ सकते हो। अगर तुमको यहाँ पे ट्रैकिंग करके आना है, तुम्हारी जर्नी को एडवेंचरस बनाना है तो तुम यहाँ पे आ सकते हो सागर रूट से, और वहां आने में तुमको कुछ 3 किलोमीटर पड़ जाएगा, पैदल पैदल तुमको चलना पड़ेगा, पूरा ट्रैक करके आना पड़ेगा, तो तुम यहाँ पे वहां से भी आ सकते हो और यहाँ से भी आ सकते हो बायोलॉजिकल पार्क वाले रूट से भी। हमेशा की तरह ये लोग अपनी मस्ती करते हुए ऊपर चढ़ गए हैं और मैं पीछे रह गया व्लॉग बनाने के चक्कर में, कोई बात नहीं चलते हैं इनके पास और कवर करते हैं व्लॉग में। तो अनिकेत नीचे रह गया है और हम ऊपर आ गए हैं। हाँ भाई मजे तो आ गए है ना, मजे तो आ गए भाई, थोड़ी थकान हुई पर मजा आ गया। थकान तो कहे की वहाँ यहाँ तक गाड़ी से आ गए, वहाँ पैदल चले गए, बस यार हवा नहीं चल रही यार भाई, लेकिन व्यू देखो भाई तुम, तब प्यारा व्यू है भाई यहाँ का। ये देखो वो खड़ी हमारी गाड़ियाँ और हम अभी थोड़ा पहाड़ पे आए हुए हैं। हाँ भाई कॉपी ले, तो आपको वीडियो पसंद आया तो थोड़ा उसे लाइक कर देना और उसको शेयर जरूर कर देना। मैं किन्नू भाई, ये गाना कितनी बार चलाएगा, मैंने भूलना जब तक वो मिलेगी नहीं तब तक गाना चलाता रहेगा ये।